प्रधानमंत्री मोदी और दीपावली के पर्व को लेकर केदारनाथ बाबा का धाम सजाया गया है। कई क्विंटल फूलों से बाबा केदार का मंदिर सजाया गया है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिसके तहत पीएम मोदी सुबह करीब 8 बजे केदारनाथ पहुंचेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम दर्शन पूजन के बाद केदारनाथ धाम में हो रहे विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे और वो निरीक्षण भी कर सकते हैं। फूलों से केदारनाथ धाम को सजाया गया है। 5 नवंबर को केदारनाथ पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का वो अनावरण भी करेंगे। कई विकास परियोजनाएं जिनका काम खत्म हो चुका है उसका उद्घाटन करेंगे और कई अहम परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के केदार संकल्प के बारे में भी आपको बताते हैं, जिसे वो 5 नवंबर को पूरा कर रहे हैं। शुक्रवार को बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचकर मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करने वाले हैं। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। आज से ठीक 4 साल पहले वो 20 अक्टूबर 2017 की तारीख थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प लिया था। ये संकल्प था केदारनाथ धाम को सवारने का, तमाम सुविधाएं देने का और आदि शंकराचार्य की समाधि को ऐसी भव्यता देने का जो केदार धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बेहतरीन अनुभव साबित हो। पीएम मोदी के इसी संकल्प के पूरा होने का वक्त अब आ गया है। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं, जहां वो आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल का उद्घाटन करेंगे और उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। यात्री को आदि शंकर के पास जाते ही उस महान तपस्या की परंपरा के साथ एक आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति हो, वैसी एक रचना हो, उस दिशा में काम चल रहा है। भगवान शिव में पीएम मोदी की श्रद्धा ही ऐसी है कि उनके धाम को लेकर मोदी ने जो संकल्प लिया उसमें देरी का सवाल ही नहीं उठता। और यही वजह है कि केदारनाथ धाम में बन रहे आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल से जुड़ी वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जिसका पीएम मोदी अनावरण करने वाले हैं। केदारनाथ धाम से जुड़े किसी भी काम में कोई देरी ना हो और वो भव्य तरीके से पूरा हो, इसके लिए पीएम मोदी ने इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया और उसका असर यहाँ की तस्वीरों में नजर भी आता है। यही वो जगह है जहाँ आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल का काम जोर शोर से चल रहा है। केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य का प्राचीन समाधि स्थल है। इसी जगह पर भव्य समाधि स्थल का निर्माण कार्य चल रहा है। 36 मीटर गोलाकार क्षेत्र में समाधि स्थल का पुनर्निर्माण हो रहा है। मंदिर से समाधि स्थल जाने के लिए विशेष रास्ता बनाया जा रहा है, ताकि केदारनाथ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल तक आराम से जा सकें। आदि शंकराचार्य की इस मूर्ति को मैसूर के मूर्तिकार अर्जुन योगीराज ने बनाया है। केदारनाथ धाम तक इस मूर्ति को चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाया गया। इस मूर्ति की खासियत ये होगी कि बारिश, धूप और खराब मौसम का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 5 नवंबर को पीएम मोदी की केदारनाथ यात्रा को लेकर अब यहां पर तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। मंदिर परिसर से लेकर मुख्य चबूतरे तक बैरिकेटिंग की गई है। करीब 2.5 साल पहले लोकसभा चुनाव के वक्त जब पीएम मोदी केदारनाथ गए थे तो उन्होंने खुद बताया था कि केदारनाथ धाम को सवारने के लिए उनका प्लान क्या है। यहाँ का जो डेवलपमेंट का मेरा मिशन है उसमें प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन, वो तो हर प्रकार से संभाला जाए, लेकिन यहाँ की आस्था और श्रद्धा उसको हम
और अधिक संभालने के लिए क्या केयर कर सकते हैं। हम कोई आध्यात्मिक चेतना में इजाफा तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कठिनाइयां रुकावटें डालने से तो अपने आप को बचा सकते हैं। ये केदारनाथ धाम में पीएम मोदी की गहरी आस्था ही है कि उन्हें जब भी वक्त मिलता है वो बाबा की शरण में खुद ही चले जाते हैं। पिछली बार जब पीएम मोदी केदारनाथ धाम गए थे तो 2019 के लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने के अगले दिन ही वो वहां पहुंचे थे। पीएम मोदी ने वहां विधिवत पूजा अर्चना की और फिर जब वो मंदिर से निकले तो अचानक एक ऐसे रास्ते पर बढ़े जो मंदिर से थोड़ी ऊंचाई पर करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक गुफा की तरफ जाता था। पीएम मोदी ने 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता पैदल ही पार किया और उसके बाद वो उस गुफा में थे जो समुद्र तल से करीब 12,250 फीट की ऊंचाई पर है। उस वक्त मई का महीना था, लेकिन केदारनाथ धाम से कुछ दूरी पर मौजूद इस इलाके में तापमान करीब 2 डिग्री के आसपास था। पीएम मोदी ने गुफा में कई घंटे तक ध्यान लगाया था, साधना भी की थी और उनकी ये तस्वीरें खूब चर्चा में रही थी। इस धरती से हमारा एक विशेष नाता भी रहा है, आने का मन कर जाता है। कल से मैं यहाँ हूँ, 2 दिन यहाँ एक गुफा में रहने चला गया था। एकांत का अवसर बहुत लंबे अरसों के बाद मिला और सामने ही 2400 घंटे बाबा के दर्शन हो सकते हैं, ऐसी वो गुफा है। 2017 के बाद ये उनका 5वां केदारनाथ दौरा है, जब एक बार फिर बाबा केदारनाथ के दर पर जा रहे हैं और उसे लेकर इस वक्त तैयारियां जोरों पर हैं।